सुरेश साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने ओपन हाउस के ज़रिए बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। पिछले दो दिनों में आपने जो ओपन हाउस के ज़रिए यहाँ पे एक खूबसूरत सा मेला सजाया हुआ, मैं सबको ये कहता हूँ कि जितनी एनर्जी मैंने चौधरी राउत साहब में देखी है, उतनी एनर्जी मैंने किसी और में नहीं देखी। मैं आपको आपकी मेहनत पे और आपकी नेक नियति पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेटा, अगर आप लोग इधर आ जाए तो मुझे भी कुछ नज़र आने दें। इस साइड पे आ जाए बेटा, इस साइड पे। मैं पालतू की पिछले दो साल तीन साल में जो शहर सदीकी साहब ने मेहनत की है उस पर भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे सीईओ हैं पार्टी लाहौर के, और पिछले तीन साल में शहर सदीकी ने बहुत मेहनत की है। जितनी ज़मीन शायद हमने पार्टी ने लाहौर में एक्वायर की है, शायद किसी और डेवलपर ने एक्वायर नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो इस वक्त सब डेवलपर से आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग 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 करेंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, पिछले 23 साल से जब से मैंने ये रियल स्टेट का काम शुरू किया, हमारे पिछले दो साल जो कि कोविड में लोगों के सबसे मुश्किल तरीन साल थे, ये हमारे पार्कव्यू में सबसे बेहतरीन साल थे। हमने सबसे ज़्यादा बिजनेस इन दो तीन सालों में किया जो हमने पिछले 20 सालों में नहीं किया था, और जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करोड़ों बार शुक्र है कि उसमें हम अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। और मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, हमारे जो स्टेट पार्टनर्स हैं, रियल स्टेट पार्टनर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, चॉइस साहब की टीम, फेयर डील ने बहुत मेहनत की, और चॉइस साहब ने हमारे दोनों सालों में सबसे बेस्ट पार्टनर का जो है वो अवार्ड हासिल किया है। और माशाल्लाह चॉइस साहब, ये अल्लाह ताला का आप पे खास करम है और आपकी नेक नियति है और आपकी मेहनत की लगन है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ये इज्जत दी है। मैं अपनी तमाम जितने भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं उन सबको बताना चाहता हूँ, पार्टू जो मैंने 1998-99 में शुरू की थी, जो कि अब DHA फेज 8 है, उधर से लेके आज तक का सफर जो है उसमें सिर्फ एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा है और वो मेरी नियत है। इसके अलावा मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने मेरे पास और कुछ दिया ही नहीं सवाय नियत के, अल्लाह ने इंसान के हाथ में और कुछ नहीं दिया। ये इज्जत, ये जिल्लत, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब अल्लाह ने अपने पास रखी और उसमें से किसी चीज़ की आपके पास एक्सेस नहीं रखी। अल्लाह जिसको चाहता है, जितना चाहता है, जब चाहता है देता है, और हम इसी अकल से एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और जब दो साल बाद पता लगता है कि जो असल पैसे लगाए थे वो भी डूब गए, तो अगर हमारी अकल से इन्वेस्टमेंट चलती हो तो इसका मतलब है कि फिर हमारा किसी प्रोजेक्ट में नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, तो इसका मतलब है कि हमारी अकल, हमारी सोच, हमारी समझदारी ये कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखती। ये सब अल्लाह का करम है जिसके तहत वो जब चाहता है आपको, बेशक आप मिट्टी पे हाथ लगाते हैं वो भी सोना हो जाए, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। और मैं अल्लाह का अरबों बार शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनवाए हैं, हम लोगों के काम आ सके हैं, हम लोगों को डिलीवर कर सके हैं। और इसमें जिसने भी 5 बल्ले के एक रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट किया था, उसने 10 लाख रुपये का प्लॉट लिया था या 20 लाख का लिया था, वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसके पैसे इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि किसी 50 करोड़ वाले इन्वेस्टर के। और मैं उसको ज़्यादा जवाब दे हूँ जिसने अपनी तमाम जमा पूंजी जो 5 बल्ले की सूरत के प्लॉट में थी वो उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी, और उसने अपना सारा कुछ जो उसकी उम्मीद थी, जो उसकी खून पसीने की कमाई थी, वो मेरे हाथ में पकड़ा के मेरे पे ट्रस्ट कर रहा। और मैं उसको समझता हूँ कि हम
अपने अल्लाह को जवाब दें और फिर उसके बाद उस अपने मेंबर को जवाब दें। और इंशाल्लाह ताला मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस जो एक अमानत मेरे पास है लोगों के इत्माद की शक्ल में, लोगों की इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला हर एक को इंशाल्लाह उसकी बेहतरीन अमानत जो है वो हम पूरे प्रॉफिट के साथ वापस करेंगे इंशाल्लाह। पार्टू ब्रांड के साथ साथ विजन ग्रुप आजकल मुख्तलिफ जगहों पर एक्सपेंशन कर रहा है। हमने एक चैनल खरीदा, इसके बाद हम एक बैंक खरीद रहे हैं, इसके बाद हमने सिनेमाज की एक चेन खरीदी है, इसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक्सपैंड कर रहा है। इसी तरह हमने अपने रियल स्टेट बिजनेस को पाकिस्तान की हदूद से बाहर लेके जाने का फैसला किया और हमने इसमें एक पोर्चुगल में पार्क व्यू के नाम से वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो एक सेकेंड पासपोर्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि पोर्चुगल जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होते हुए उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि आप एक खास अमाउंट के साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो सेकेंड पासपोर्ट के तौर पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बात को अपने पास रखेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपकी ना सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो महफूज है बल्कि बहुत अच्छा रिटर्न भी इंशाल्लाह आपको देगी इंशाल्लाह। इसी तरह हम अपने मुख्तलिफ कॉर्पोरेट वेंचर पे जा रहे हैं, हम एक और सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी में हम फाइव स्टार होटल्स बना रहे हैं, फोर स्टार होटल्स बना रहे हैं और पोर्चुगल में भी हमने अपने प्रोजेक्ट जो हैं उसमें फोर स्टार और थ्री स्टार होटल्स शामिल किए हैं। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट में हो या होटल में हो उसकी अमाउंट अलग होगी लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप होटल अपार्टमेंट में जाना चाहें, फोर स्टार होटल में जाना चाहें, थ्री स्टार होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अब जो विजन ग्रुप है इंशाल्लाह वो पार्क व्यू के नाम से अपने होटल चेन शुरू करने लगा और हम इंशाल्लाह इसमें मुख्तलिफ इस वक्त एक्विजिशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ होटल जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हैं हम वो भी खरीद रहे हैं और नए होटल भी बना रहे हैं। इसी तरह हम अपने कॉर्पोरेट टावर्स में आ गए हैं, माल के ऊपर जो है वो माल का सबसे ऊंचा कॉर्पोरेट टावर जो है वो पार्क व्यू के नाम से बनने लगा है जो कि चिमकाना के सामने है। इसी तरह हम अपना कराची में हमारे पास चंडीगढ़ रोड पे चंडीगढ़ रोड का सबसे टॉलेस्ट टावर जो है जो कि पार्क व्यू आईकॉन के नाम से इंशाल्लाह हम वो बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे आपके सामने जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं इसके अंदर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरी चूँकि अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहली बिल्डिंग है इसलिए मैं इंशाल्लाह इसको इंश्योर करूँगा कि उसके अंदर जो लग्जरी है उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो बेस्ट हो, बेस्ट पॉसिबल हो और इंशाल्लाह ताला इसको हम एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो उसको बना पाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ लाएँ, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी साहब आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पे मैं हमारा जो नईम है उसका खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। नईम बड़ाइश ने पार्टी में बहुत मेहनत की है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। नईम यू हैव परफॉर्म वेरी वेल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी और आपकी जो टीम है माशाल्लाह हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम उनमें मैं हर इंडिविजुअल का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपनी बहुत मेहनत से पार्क व्यू के ब्रांड को आगे लेके जाया और इंशाल्लाह ताला हम सब इसी तरह मेहनत करेंगे, अपनी अपनी जगह पार्क व्यू के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।